So it's a pleasure. I'm here at BAPS Hindu Mandir, and I think this is one of the best days of my life. मैं actually am very emotional क्योंकि मैं मेरा जो भाव है शायद शब्दों में ना बता पाऊँ. You have to come here and experience that divinity. There are so many things. त्रिवेणी संगम मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आबू धाबी में आके मुझे यहाँ पे गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती और सरस्वती जो लुप्त हुई हैं उनके भी दर्शन यहाँ पे हो गए. कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे कितनी पावर होगी, कितनी मतलब आप जैसे ही यहाँ पे आते हो तो एक आपके मन में छवि रहती है कि मैं यहाँ पे मंदिर में जा रही हूँ. पर जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको लगता है कि आज मैं यहाँ किसी मिरेकल में आई हूँ, किसी चमत्कार का साक्षी होना है. तो ये एक ही मंदिर है. और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए तो मतलब इतनी गर्मी में मुझे पता नहीं कहाँ से ऐसे लग रहा था जैसे हवा का ठंडा झोंका चल रहा हो और भगवान ने मुझे अपने आप में शामिल कर दिया हो, ऐसे कुछ तो भी फीलिंग यहाँ पे आ रहा था. ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक भाव है, ये एक अलग चैतन्य है. जो ऊर्जा आपको यहाँ मिलेगी मुझे नहीं लगता और कहीं आप सोच भी सकते हो, और वो भी आबू धाबी में. अक्षर पुरुषोत्तम मतलब जिनके बारे में हम जितना बोले उतना कम है. तो अक्षर पुरुषोत्तम जी यानी अपने स्वामी जी, उनका इतना सुंदर और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बात कर रहे हैं, वो एक मूर्ति नहीं तो साक्षात स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं. ये भी चेतना आज यहाँ पे महसूस हुई. मतलब एक एक चीज़ का यहाँ पे इतनी अच्छे से ध्यान रखा गया है. तो मुझे वो एक्चुअली रामायण की कार्विंग में पूरा रामायण दिख रहा था. मुझे जब उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी यहाँ पे आए, वो भी उन्होंने स्टोरी दिखी है. तो मेरी जो 11 साल की बेटी है ईरा, वो मेरे साथ थी. और मुझे लग रहा था कि मैं जो मेरा धर्म है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो अस्तित्व है, वो उसके साथ शेयर कर रही थी. तो इस तरह की मंदिर में आने से शायद अपनी जो अगली जनरेशन है उनको भी शायद पता चले कि हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना है. लेकिन इस तरह की कार्विंग से शायद उन्हें अपना जो इतिहास है, अपना पुराण है, उसके बारे में पता चले. उसको शिव पुराण भी नहीं पता था जो आज ईरा को यहाँ पर पता चला. तो मुझे लगता है कि यू हैव टू गेट योर किड्स. शायद हम कहीं पे अपने बच्चों की परवरिश में उनको जो चीज़ें नहीं सिखा पा रहे हैं वो यहाँ पे शायद वो सीख सकते हैं. सारे रिचुअल्स यहाँ पे हो सकते हैं, जन्म से मृत्यु तक जितनी सारी विधियाँ हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं. BAPS हिंदू मंदिर के बारे में अगर मैं सिर्फ दो शब्दों में कुछ कहना चाहूँगी तो इतना ही कहती हूँ कि अगर आपके आत्मा को परमात्मा से मिलन करना है तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और इसका अनुभव लीजिएगा. धन्यवाद. जय स्वामी नारायण.